नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं विदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका से कहा है कि चीन दक्षिणी चीन सागर में उसकी नौवहन की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप जो चीन की संप्रभुता का उल्लंघन करती हो उसे स्वीकार नहीं करेगा। चीन की एक खबर के अनुसार वॉशिंगटन में परमाणु सुरक्षा सम्मेलन से पहले जिनपिंग ने दक्षिणी चीन सागर हवाला देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति से बराक ओबामा से चीन और स्वशासित ताइवान के बीच संबंधों के शांतिपूर्ण विकास में सहयोग देने की अपील की। आईएस के मुखिया बगदादी की पूर्व पत्नी सागा अल डुलमेमी ने बताया कि आईएस का मुखिया बनने से पहले अबू बकर अल बगदादी सामान्य पारिवारिक आदमी था। 28 वर्षीय सागा ने कहा कि उसने 2008 में बगदादी से शादी की थी और बगदादी से उसकी एक बेटी भी है। सागा ने बताया कि बगदादी उस समय एक विश्वविद्यालय में लेक्चरर था जो धर्म और शरिया पढ़ाता था। जापान का दक्षिण पश्चिम समुद्री तट शुक्रवार सुबह 6.0 की तीव्रता के जबरदस्त भूकंप से हिल गया। हालांकि इसमें किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, साथ ही सुनामी की चेतावनी भी जारी नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार भूकंप स्थानीय समय अनुसार सुबह 11 बजे जापान के मुख्य होशु आइलैंड के तट पर आया। यह आइलैंड टोक्यो से 350 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका केंद्र सतह से 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जापान 4 टेक्टोनिक फीट्स पर स्थित है। दुनिया के कुछ सबसे तेज भूकंपों में से 20% यहां आते हैं। दक्षिण पूर्वी तुर्की में बीते गुरुवार को पुलिस की कार में हुए बम विस्फोट में मरने वाले पुलिस अधिकारियों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दियार बाकर शहर में एक बस टर्मिनल के पास हुए इस बम विस्फोट में 13 पुलिसकर्मियों सहित 27 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान में सिविल और सैनिक नेतृत्व के बीच तनाव उभरने की खबर है। पाक सैन्य प्रवक्ता के हाल के ट्वीट और बयानों से इस बात के संकेत मिले हैं। खबर के मुताबिक सैन्य प्रवक्ता ले जनरल असीम सलीम बाजवा ने इस तनाव का खुलासा किया। एक अखबार ने कहा कि ये ऐसे समय में हुआ जब देश दोनों से आतंक के खिलाफ लड़ाई में समन्वय और एकता की उम्मीद कर रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ, और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर emstv की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डेंगू फाइटर और मैंने अपने घर में इंसान के सबसे बड़े दुश्मन मच्छर को हराया है। अरे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी बड़ी जंग जीती कैसे, तो आइए बताता हूँ। डेंगू मच्छर के काटने से होता है और पानी ठहरेगा जहाँ मच्छर पलेगा वहाँ, इसीलिए उठाइए डेंगू के खिलाफ 5 बड़े कदम। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश।